पोटेंशियोमीटर एंड इट्स प्रिंसिपल। तो आज हम देखेंगे पोटेंशियोमीटर कौन सा डिवाइस है, इसका यूज वगैरह क्या है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो फिर बाद में इसका यूज भी देखने वाले हैं आगे सिलेबस के लिहाज से। सो पोटेंशियोमीटर जो है, क्योंकि हम डिवाइसेस यूज करते हैं फॉर मेजरिंग वेरियस क्वांटिटीज इन फिजिक्स, पर्टिकुलरली हम क्या बोलते हैं इसको, करंट मेजर करने के लिए, वोल्टेज मेजर करने के लिए, लेकिन जनरली जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो पॉइंटर टाइप होते हैं, यानी पॉइंटर की वजह से हम रीडिंग लेते हैं। और पॉइंटर टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं तो उनमें एरर का खतरा रहता है। तो जनरली 1% फुल स्केल डिफ्लेक्शन उनमें आता है, फुल स्केल के लिए 1% का डिफ्लेक्शन उनमें नोट किया गया है। यानी इसका मतलब है पॉइंटर टाइप इंस्ट्रूमेंट से अगर हम कोई क्वांटिटी का वैल्यू मालूम करेंगे तो वहां पर हमें पूरा एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिल सकता है, क्योंकि डेफिनेटली उसमें एरर होगा, कम ही होगा लेकिन एरर दिखाता है। तो अगर हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसमें ये पॉइंटर यूज नहीं होगा, तो उनसे हमें ज्यादा बेटर वैल्यूज मिल सकते हैं, ज्यादा एक्यूरेट वैल्यूज मिल सकते हैं। और ये जो पोटेंशियोमीटर आपके सामने है, ये एक ऐसा ही डिवाइस है कि जो पॉइंटर टाइप नहीं है, तो जिसमें आपको जिस क्वांटिटी के लिए आप यूज करेंगे पोटेंशियोमीटर को फॉर मेजरिंग, तो वहां पर आपको बहुत एक्यूरेट वैल्यू मिलने के चांसेस है। ठीक है, तो ये जो डिवाइस है, ठीक है, इसको पोजनडॉर ने डिवाइस किया है। ठीक है, और इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। कंपेयरिंग आपको पता है, यानी वैल्यू हम मालूम नहीं करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू सेल्स या टू सोर्सेस, टू सेल्स, ठीक है, कंपेयर करना हो गया। जैसे आप जानते हैं कि अगर एक का ईएमएफ 4 वोल्ट है, दूसरे का ईएमएफ 2 वोल्ट है, दिस इज सेल ए, दिस इज सेल बी, तो ये हो गए इनके एक्यूरेट वैल्यूज अपने अपने, लेकिन कंपेयर हो गया कि सेल बी जो है इट इज हैविंग हाफ ईएमएफ एज कंपेयर टू दैट ऑफ ए, और ए इज हैविंग ट्वाइस ईएमएफ एज कंपेयर टू, दैट इज कॉल्ड कंपेयरिंग। तो ये जो डिवाइस है पोटेंशियोमीटर, तो इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, जो कि आपके सिलेबस में यूज है, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आप इनको यूज कर सकते हैं कि अगर दो सेल्स आपको दी गई है तो इनमें आप कंपेयर कर सकते हैं उनका ईएमएफ। फिर उन दो ईएमएफ में से अगर आपको एक का वैल्यू दिया गया है, फिर आप दूसरे का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप ये जो पोटेंशियोमीटर है इसको आप यूज कर सकते हैं फॉर दैट मींस आप इंटरनल रेजिस्टेंस, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है सेल्स की, ठीक है ना, तो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल की मालूम करने के लिए भी आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, हालांकि आपने इंटरनल रेजिस्टेंस इससे पहले, अगर आपको याद होगा, आपने इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन निकाली, लेकिन वहां पर आपने वोल्टमीटर मेथड यूज किया है। तो ये जो पोटेंशियोमीटर है, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए किसी ईएमएफ सोर्स का, किसी सेल का टेस्ट करता है। तो इसके बाद हम इस पोटेंशियोमीटर जो है यहाँ पर, तो इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, फॉर कैलिब्रेटिंग, ठीक है ना, एमीटर्स एंड वोल्टमीटर। तो इसका मतलब बहुत सारे यूज है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि पॉइंटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में चूंकि एरर का चांस रहता है, तो इसमें एरर का चांस बहुत हद तक ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाता है। तो एक्यूरेट वैल्यू मिलने के इससे बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो आज हम देखेंगे, ठीक है, पोटेंशियोमीटर के बारे में थोड़ी जानकारी मिल गई, लेकिन ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है ना, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो किस प्रिंसिपल पर पोटेंशियोमीटर काम करता है, मैं आपको एक सिंपल यहाँ पर एक क्या बोलते हैं इसको सर्किट दिखाता हूँ। ये देखिए आप, जो सर्किट आपके सामने है बहुत सिंपल सर्किट है, लेकिन आपको कंप्लीट पता चलेगा कि आपके पोटेंशियोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ठीक है ना, इस सिंपल सर्किट से। तो सर्किट में मैंने क्या लिया, मैंने दो सोर्सेज ऑफ ईएमएफ लिए, यानी दो सेल्स, ये ईएमएफ E1 है, ये E2 है, ठीक है, यहां पर एक रेजिस्टेंस ली और यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लिया, ठीक है, ओके। रेजिस्टेंस का होना जरूरी है सर्किट में, चूंकि आपको बताया इसीलिए लगा दिया, वरना मुझे नहीं लगाना था यहाँ पर, चूंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बहरहाल सर्किट को चालू करने के लिए, सर्किट को, ठीक है ना, अच्छी तरह ऑपरेट करने के लिए रेजिस्टेंस का होना जरूरी है, ओके। अब जो मैंने दो सोर्सेज ऑफ ईएमएफ लगा दिए, अगर मैं आपको बताऊं, मुझे बताइए कि आपके इस सर्किट में करंट कितनी हो, ठीक है, तो करंट मालूम करने के लिए आपको पता है बाय ओम्स लॉ आल्सो, करंट इज कि टोटल ईएमएफ यानी वोल्टेज आपके सर्किट में कितनी है, डिवाइडेड बाय आपके सर्किट में रेजिस्टेंस कितनी है, सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी है, ठीक। तो
अगर मेरे सर्किट में एक ही सोर्स ईएमएफ का होता, चलो ईवन होता, मैं लिखता यहां ईवन, ठीक है, क्योंकि अब मेरे पास दो सोर्सेज ईएमएफ के हैं। सो व्हाट इज नेट ईएमएफ? अब इसके लिए मैं, ठीक है ना, आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि जब आप सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, सो नेट ईएमएफ को क्या होता है। तो इसलिए अगर आप वो याद दिलाएंगे अपने आप को, तो मुझे बताइए अगर मेरे पास ऐसे ईएमएफ सोर्सेज ज्वाइन है, ये देखिए ऐसे ईएमएफ सोर्सेज ज्वाइन, लेट मी सपोज ये सेल ईएमएफ ई1 रखती है, ये ई2 रखती है, ये ई3 रखती है, पूरा ध्यान रखना, ये आपने पढ़ा है सेल्स इन सीरीज में। तो यहां सेल्स इन सीरीज है क्योंकि पहली सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे के पॉजिटिव के साथ है, दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव के साथ है, एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो अगर ऐसे कनेक्शन है तो, और आपने उस दिन देखा, ठीक है ना, कि नेट ईएमएफ जो होता है इस कॉम्बिनेशन का, वो होता है एडिशन ऑफ दीज ईएमएफ, सिंपल एडिशन, दैट इज ईवन प्लस ई टू प्लस ई थ्री, पूरा ध्यान रखना, सिंपल एडिशन, ओके। लेट मी सपोज कि यहां पर ये जो सेल बीच में है, याद रखना सीरीज में, कि पहले का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ है, ठीक है ना। तो अगर मैं इस तरीके से करूं, लेट मी सपोज कि यहां पर मैं कनेक्शन रिवर्स कर दूं, मैंने ये नेगेटिव लगाया इसके पॉजिटिव के साथ, अब ये नेगेटिव मैं यहां रख दूं, पॉजिटिव यहां रख दूं, यानी नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव के, तो इसका मतलब है अगर इस वक्त ये E2 EMF रखता है, E2 पॉजिटिव इसका यहां है, नेगेटिव यहां है, अगर अब नेगेटिव यहां होगा पॉजिटिव, तो दूसरी भी कंस्टेंट है माइनस E2, सही बात है, यानी मैग्नीट्यूड में ये तो वही रहेगा लेकिन डायरेक्शन बहरहाल उसका चेंज हो जाएगा। तो सीधी बात है कि यहां पर फिर नेट ईएमएफ रहेगा, नेट ईएमएफ रहेगा, एडिशन ही रहेगा, दैट इज ई1 प्लस, अब ई2 के बदले आएगा माइनस ई2, जब अगर कनेक्शन रिवर्स हो गए इस सेल के, ठीक है ना, फिर प्लस ई3, जस्ट लाइक दैट। तो ये चीज जब आप जहन में रखेंगे, तो मुझे बताइए यहां नेट ईएमएफ क्या है, क्या E1 प्लस E2 है या E1 माइनस E2? और मैं ये भी सपोज करता हूं कि मेरे इस सर्किट में E1 जो है ये ग्रेटर देन है E2 के, मैं ये सपोज करता हूं, ठीक है, यानी अगर ये 8 वोल्ट का है, लेट मी सपोज ये 4 वोल्ट का है, ये 8 वोल्ट का है, 6 वोल्ट का है, तो E1 ग्रेटर देन E2 के है। तो मुझे बताइए अगर इसका इसका पहले का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ है, यानी रिवर्स कनेक्शन एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट, यहां अगर आप देखेंगे ये सेल का पॉजिटिव है बड़ा, ये सेल का, तो यहां पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, तो इसका मतलब है अगर ये ईवन है तो ये ई टू नहीं है बल्कि माइनस ई टू होगा। तो सीधी बात है नेट ईएमएफ होगा यहां पर, तो करंट आ जाएगी आपके सर्किट में ईएमएफ, जो कि नेट ईएमएफ होगा ईवन माइनस ई टू, ईवन माइनस ई टू, क्योंकि प्लस इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका कनेक्शन रिवर्स है, ठीक है ना, जो आपने यहां देख लिया, अब E2 के बदले यहां चूंकि माइनस आ गया ना, माइनस, तो ये बन जाएगा E1 प्लस माइनस 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 E2, ठीक है ना, अगर E2 ही बड़ा होगा फिर बन जाएगा E2 माइनस E1, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, वो आपने वहां पर देख लिया कि कैसे हम रेजिस्टेंस टोटल देखते हैं। सो अगर ये रेजिस्टेंस जो मैंने यहां कनेक्ट की है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, और ये गैलोमीटर की रेजिस्टेंस अगर जी है, तो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगी आर प्लस जी। अब मुझे इससे ज्यादा लेना देना नहीं है इस आर प्लस जी से, मुझे एक्चुअली ये चीज चाहिए, ठीक है ना, तो बड़ा सिंपल है, ठीक है ना। सो अगर जो बच्चा है, ठीक है ना, अगर उसको ज्यादा फिजिक्स का पता भी नहीं होगा, तो वो सिंपली करंट यहाँ कैलकुलेट कर सकता है बाय यूजिंग सर्किट इक्वेशन जो आपने देखी है, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल ईएमएफ यहाँ पर है ई1 माइनस ई2, टोटल रेजिस्टेंस है आर प्लस जी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये कि करंट मेरे सर्किट में जो है, करंट दैट इक्वल्स ई1 माइनस ई2 डिवाइडेड बाय और प्लस जी, ओके। अब मुझे बताइए कि सबसे सिंपल तरीका क्या है कि ये करंट मुझे जीरो मिलनी चाहिए, यानी वो गैल्वेनोमीटर मुझे जीरो डिफ्लेक्शन दिखाना चाहिए। अब इसके लिए मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं, लेट मी सपोज मैंने मान लिया कि ये मेरा ईएमएफ सोर्स जो है ये 8 वोल्ट का है, ठीक, और ये वाला सोर्स जो ई2 है ये 6 वोल्ट का है या 5 वोल्ट का है, लेट मी सपोज, तभी जो मैंने, ठीक है ना, सपोज किया। अब सीधी बात है ये 8 माइनस 5 होगा 3 डिवाइडेड बाय समथिंग, तो मुझे करंट मिलेगी कुछ ना कुछ। अब ये करंट कब मिलेगी जीरो? अब सीधी बात है अगर यहां पर E1 8 वोल्ट का है, अगर मैं इस E2 को भी 8 वोल्ट का करता हूं, लेट मी सपोज, यानी ये जो दो ईएमएफ सोर्सेज है अगर ये आपस में बराबर हो गए, तो सीधी बात है ये बनेगा 8 माइनस 8 या 9 माइनस 9, क्योंकि बराबर है, तो जीरो बनेगा, जीरो बाय समथिंग, दैट इक्वल जीरो, तो मुझे करंट मिलेगी जीरो। लेकिन शर्त है
जो आपके सर्किट में दो सोर्सेस है अगर वो मैग्नीट्यूड में बराबर आ जाएंगे, इफ ई वन इक्वल्स ई टू, तो बिल्कुल बहुत आसान तरीका समझने का कि प्रिंसिपल क्या है आपके पोटेंशियोमीटर का, तो बिल्कुल वर्किंग प्रिंसिपल ऐसा ही हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियोमीटर का, कि वहां पर जो दो सोर्सेस होंगे अगर एक सोर्स गिवन है तो ये दूसरा सोर्स अगर हम इस ईएमएफ के बराबर बनाएंगे तो तभी करंट आपके सर्किट में जीरो आ जाएगी। लेकिन मसला अब खड़ा यहां से होता है प्रिंसिपल का, ठीक है ना। मसला ये खड़ा होता है, सर ये तो लेट मी सपोज ई वन तो 8 वोल्ट का है, अब ई टू हमने 5 वोल्ट का ही लिया था, ठीक है, अब इसको कैसे चेंज करेंगे 8 वोल्ट के बराबर बनाएंगे, जस्ट लाइक दैट। तो इसका मतलब है, अगर यहां पर ये E2 जो है तो इसका मतलब है ये जो दूसरा यहां पर सोर्स ये फिर वेरिएबल होना चाहिए, है? तो वेरिएबल का मतलब है कि अगर ये मान लेते हैं 8 वोल्ट का है, ये 5 वोल्ट का है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 वोल्ट को रिप्लेस करना पड़ेगा पहले 6 से, देखेंगे मुझे कैसे पता चलेगा ये दो ईएमएफ सोर्सेस बराबर होंगे, ये मुझे तब पता चलेगा जब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। लेट मी सपोज मैं आपके लिए बताता हूं ये 8 वोल्ट है या 5 वोल्ट है, लेट मी सपोज हमें पता ही नहीं है दो ईएमएफ सोर्सेस यहां पर है, मुझे पता ही नहीं है इनका वैल्यू, हैं, लेट मी सपोज सपोज ये 10 वोल्ट का है 4 वोल्ट का, लेकिन लेट सपोज हमें पता ही नहीं है जस्ट लाइक दैट इनका वैल्यू, तो कैसे पता चलेगा कि ई टू ई वन के बराबर बन गया, ये तब पता चलेगा जब आपका गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, जब करंट जीरो होगा तभी, सीधी बात है ई वन ई टू के बराबर होगा। लेकिन लेट मी सपोज ये 10 वोल्ट का है ये 4 वोल्ट का है, अब चूंकि हमें इसका वैल्यू पता नहीं है, अगर ये पता होता है 10 वोल्ट का हम यहां सीधे 10 वोल्ट लगाते, लेकिन लेट मी सपोज ये 10 वोल्ट का है लेकिन हमें पता नहीं है ये 4 वोल्ट का, हमें पता नहीं है, हम क्या करेंगे इस 4 वोल्ट को पहले रिप्लेस रैंडमली, ठीक है ना, पहले 5 वोल्ट लगाएंगे, देखेंगे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन नहीं दिखाया, फिर 6 वोल्ट का लगाते हैं ई टू के बदले, गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन नहीं दिखाया, फिर 7 वोल्ट का, फिर 8 वोल्ट का, फिर 9, चलो 10 वोल्ट पर पहुंच गए हम तो गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन दिखा दी। इसका मतलब है कि इस ईएमएफ सोर्स और इस ईएमएफ सोर्स का ईएमएफ एक जैसा है, जस्ट लाइक दैट। लेकिन अब मसला खड़ा हो गया, सर अगर ये 10 वोल्ट का है लेकिन हमें पता नहीं है, तो यहां पर 4 वोल्ट का बैटरी था, हमें रैंडमली लगाना पड़ा, पहले 4 वोल्ट को रिप्लेस किया, फिर 5 वोल्ट लगा दिया, फिर 5 वोल्ट को रिप्लेस किया, 6 वोल्ट लगा दिया, फिर 6 वोल्ट को रिप्लेस किया, 7 वोल्ट, अरे इतने सारे सोर्सेस ऑफ ईएमएफ लाएंगे कहां से, ठीक है ना। तो इसके लिए वर्किंग प्रिंसिपल काम में लाया जाता है किसका, पोटेंशियोमीटर का। तो बेसिकली वर्किंग प्रिंसिपल यही बात हमें बताता है कि ये जो आपको वेरिएबल सोर्स ईएमएफ का चाहिए ये बड़ा आसान होना चाहिए, है? तो इतनी सारी बैटरीज हम कहां से लाएंगे, फिर रिप्लेस करेंगे जस्ट लाइक दैट। तो इसलिए ये जो वेरिएबल सोर्स ऑफ ईएमएफ होगा तो यही बनेगा प्रिंसिपल, ठीक है ना, पोटेंशियोमीटर का। और यही बात हम आगे देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो वेरिएबल सोर्स ऑफ ईएमएफ होगा तो ये हमें बड़ी आसानी से कैसे मिलेगा, ठीक है। अगर आपको स्लाइड वायर ब्रिज याद होगा तो स्लाइड वायर ब्रिज में हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस की जरूरत है, यहाँ वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत है, वेरिएबल ईएमएफ की जरूरत है, ईएमएफ माइनस पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। सो यहाँ वेरिएबल पोटेंशियल की जरूरत है, वहां वेरिएबल रेजिस्टेंस की जरूरत है, और आपको याद होगा वहां पर हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस मिली थी, ठीक है ना, वो जो स्लाइड वायर ब्रिज था उसकी जो वायर थी 1 मीटर लॉन्ग, तो उस पर हम स्लाइडर घुमा रहे थे और हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस मिल रही थी, ठीक है ना, हम उसको राइट साइड घुमा रहे थे रेजिस्टेंस चेंज, लेफ्ट साइड घुमा रहे थे रेजिस्टेंस चेंज, तो वेरिएबल सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस को मिला था, हमें सिर्फ स्लाइडर घुमाना था। तो बिल्कुल वैसा ही एक मैकेनिज्म हम यहाँ पर डेवलप करेंगे बाय स्टडिंग द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, कि हम एक वायर लेंगे, उस वायर पर स्लाइडर घुमाने से हमें वेरिएबल सोर्स ईएमएफ का मिलेगा, वेरिएबल सोर्स पोटेंशियल डिफरेंस का मिलेगा, सिर्फ स्लाइडर घुमाना है। लेकिन वो चीज कैसे पॉसिबल होगा, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू स्टडी द प्रिंसिपल ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर, सो लेट अस गो फॉर दैट। लेकिन इस सर्किट को आप पूरा जहन में रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सबसे आसान सर्किट है पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल, ठीक है ना, समझने के लिए। सो लेट अस डायरेक्टली नाउ गो टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो इसके लिए क्या है, पहले मैं आपको पोटेंशियोमीटर का ऑक्सिलरी सर्किट दिखाता हूं, यानी इसका अपना सर्किट, वर्किंग सर्किट जो इसका है वो क्या है। सो लेट अस गो फॉर इट्स प्रिंसिपल। तो इसके लिए पोटेंशियोमीटर जो यहां पर है उसमें क्या होता है कि एक बैटरी होती है जिसको हम ऑक्सिलरी बैटरी भी बोलते हैं पोटेंशियोमीटर की। तो यहां पर एक एमीटर होता है, ठीक, ये हम ऑक्सिलरी सर्किट बनाते हैं पोटेंशियोमीटर का अपना सर्किट। फिर जब पोटेंशियोमीटर यूज होगा किसी जगह तो वहां पर सर्किट में एडिशन हो जाएगा। तो ये ऑक्सिलरी सर्किट है पोटेंशियोमीटर का, ए बैटरी एंड एमीटर। यहां पर होता है एक रिहोस्टेट, रियोस्टेट आपको पता है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, और यहां पर होती है एक की,
स्विच, ठीक है, और यहां से आगे आप देखेंगे ये है रिहोस्टेट ORH, ठीक है, तो ये है मीटर जो करंट रीड करेगा, ये है बैटरी, और यहां पर जो दूसरा कनेक्शन हम यहां से लेते हैं, तो यहां ये जो टर्मिनल है A और C, सो इनके बीच में जो वायर होती है, एक वायर होती है, इस वायर की इंपॉर्टेंस है जो मैं वायर आपको बताने अब जा रहा हूं, तो यहां पर एक्चुअली होते हैं कॉपर स्ट्रिप्स, यहां पर एक कॉपर स्ट्रिप होता है, ये भी कॉपर स्ट्रिप होता है, जैसे आपने स्लैंट वायर ब्रिज में पढ़ा है, तो ये जो वायर है, ये वायर AC, दिस इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, इसी वायर की सूरत में हमें मिलेगा ये सोर्स ऑफ ईएमएफ, वेरिएबल सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वेरिएबल सोर्स ऑफ ईएमएफ कैसे मिलेगा वो चीज हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहली बार कि ये जो वायर होती है पोटेंशियोमीटर की एसी, ये जनरली 4 meters की होती है, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये आसान तरीका है लैब में डिटेक्ट करने का कि स्लाइड वायर ब्रिज कौन है और पोटेंशियोमीटर कौन है। स्लाइड वायर ब्रिज जो आपने पढ़ा है, विच इज अ प्रैक्टिकल वर्जन ऑफ वेटस्टोन ब्रिज, उसकी वायर जनरली 1 meter की होती है, ठीक है, लेकिन इसकी वायर जनरली 4 meters की होती है, ठीक है, लेंथ में ज्यादा होती है। तो ये वायर जो एसी है, तो इसको मैं थोड़ा मोटा बनाता हूँ क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंस है इस वायर की, इसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो वायर है, ये एक खास मटेरियल की हम बनाते हैं, एलॉय की, यूरेका या कॉन्स्टेंटन या मैगनीन, ठीक है, यूरेका मैगनीन, ठीक है, ये एलॉयज है। तो इन स्पेशल मटेरियल्स की हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है ये आपने स्लाइड वायर ब्रिज में भी देखा है, तो वहां पर भी जो वायर थी वो इन्हीं मटेरियल्स की बनी हुई थी, एलॉयज की बनी हुई थी, है? इसका रीजन है इसके पीछे, नंबर एक कि इन मटेरियल्स का जो रेजिस्टिविटी होता है वो हाई होता है, दूसरा इनका ये थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो इनका है अल्फा, वो बहुत लो वैल्यू रखता है। इसका मतलब है कि जब इस वायर में से ठीक है ना करंट गुजरेगी, तो इसमें अगर टेम्परेचर वेरिएशन होगा है, उसे बहुत कम फर्क पड़ता है इस वायर की रेजिस्टेंस पर, दैट इज व्हाई ये तब होता है जब इसका अल्फा बहुत कम है। अगर हम यहां पर सीधे कोई मेटल लगा देते, कोई मेटल वायर, तो उसका अल्फा बहुत हाई होता, इसमें करंट गुजरती, इसमें टेम्परेचर चेंज होता, इसमें टेम्परेचर वेरी होता, तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा वेरी हो जाती, जो हमें आगे जाके प्रिंसिपल में वेरिएशन करता, जस्ट लाइक दैट। तो दो रीजंस की वजह से हम यूरेका की वायर या मैगनीन की वायर, ठीक है ना, एलॉयज की वायर, ये लगाते हैं पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है ना। तो दो रीजंस की वजह से, नंबर एक रीजन कि इन एलॉयज का रेजिस्टिविटी ज्यादा होता है, नंबर सेकंड कि इनका जो अल्फा होता है थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वो बहुत कम वैल्यू रखता है, जिसकी वजह से जब इनमें से करंट पास होती है इस वायर में, तो इसकी रेजिस्टेंस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है जब इसका टेम्परेचर चेंज होता है करंट पास होने की वजह से। अच्छा, तो ये तो हो गया इसका अपना सर्किट, ठीक है ना, पोटेंशियोमीटर का अपना सर्किट। अच्छा, तो इसके बाद जो आप अरेंजमेंट देख रहे हैं, हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि सर ये रिहोस्टेट वगैरह किस चीज के लिए है, ठीक है, तो बेसिकली हम एंश्योर करते हैं जब हम यहाँ पर ये की क्लोज करेंगे, ये जो मैंने की यहाँ बना दी की, ठीक है ना, ये जो की मैंने यहाँ बना दी, जब इसको क्लोज करेंगे, सर्किट अब क्लोज हो गया, ठीक है ना, अब इसमें से करंट चलेगी, तो ये जो करंट इस वायर में चलेगी पोटेंशियोमीटर वायर में, ये हम एंश्योर करते हैं ये कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए, याद रखना ये प्रिंसिपल में, ठीक है ना जरूरत मुझे पड़ेगा ये चीज कि आई जो पोटेंशियोमीटर वायर से जो करंट चलेगी वो कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए, ये वेरी नहीं होनी चाहिए, तो वो हम एंश्योर करते हैं इस अरेंजमेंट से जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना। यानी ये रेजिस्टेंस जो यहाँ पर रिहोस्टेट है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो मान लेते हैं करंट ज्यादा होगी, लेट मी सपोज करंट ज्यादा होगी, हमें चूंकि करंट को कॉन्स्टेंट रखना है तो करंट ज्यादा होगी, अब करंट को कम करना है तो हम रेजिस्टेंस को यहाँ बढ़ाते हैं, है? अब किसी वक्त करंट कम होगी, इसको वापस लाना अपने वैल्यू पर, यानी करंट को बढ़ाना है तो हम रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, कम करेंगे, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसको आप रिहोस्टेट बोलते हैं, दैट्स व्हाई। तो ये जो अरेंजमेंट आप देख रहे हैं, तो इसे हम स्टेडी करंट एंश्योर करते हैं थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने यहां कि करंट कांस्टेंट रहनी चाहिए, एक बार जो ये पोटेंशियोमीटर है, एक तो इसमें से कांस्टेंट करंट गुजरनी चाहिए, ये बाद में प्रिंसिपल में हमें जरूरत पड़ेगा, अगर ये चीज नहीं होगा आपका ये जो पोटेंशियोमीटर ये काम नहीं करेगा, इसका वर्किंग प्रिंसिपल फेल हो जाएगा। तो एक तो कांस्टेंट करंट चलनी चाहिए इस पोटेंशियोमीटर वायर से, दूसरा ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है इट शुड हैव कांस्टेंट
कंपोजिशन। तो कॉन्स्टेंट कंपोजिशन जब इसका होगा, यानी इसका कंपोजिशन वैरी नहीं, यहां एक कंपोजिशन है, यहां दूसरा है, यहां तीसरा है, ठीक है ना, तो इसे क्या होगा, कॉन्स्टेंट कंपोजिशन से इसका रो रहेगा कॉन्स्टेंट रेजिस्टिविटी, ठीक है। दूसरा, इसका कॉन्स्टेंट रहना चाहिए क्रॉस सेक्शन, ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी ये वायर किसी जगह मोटी नहीं होनी चाहिए, किसी जगह पतली नहीं होनी चाहिए, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक जैसा रहना चाहिए, इट शुड हैव कॉन्स्टेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कॉन्स्टेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कॉन्स्टेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो मैं वायर में ए से दिखाऊंगा सुमार ए से। सो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, दैट योर पोटेंशियोमीटर वायर शुड पोजेस कॉन्स्टेंट कंपोजिशन, दैट वी कीप रो कॉन्स्टेंट, and your wire should possess area of cross section constant, that will keep it as a constant, and a steady current should flow through the potentiometer wire. ye teen cheeze jab aapne dekh li, ab yahan par zara dekhiye hum kya baat karenge aage. ye jo end a hai, ye wala end, theek, aapko yaad hai mujhe basically ye variable source aap ye pahunchaye, variable source of potential difference mujhe chahiye, bas itna, agar mujhe ye mil gaya तो मेरा पोटेंशियोमीटर काम करेगा, मुझे वेरिएबल सोर्स मिल गया, तो जब ये वेरिएबल सोर्स हो गया तो हम इस वेरिएबल सोर्स को वेरी करेंगे, और जब ये E1 के बराबर बनेगा, ग्राउंड पर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, तो नल डिफ्लेक्शन पर काम करेगा आपका ये पोटेंशियोमीटर, जस्ट लाइक दैट। तो मुझे चाहिए वेरिएबल सोर्स पोटेंशियल डिफरेंस का, बस इतना ही, बड़ी आसान तरीके से वो मिलना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर एक वोल्टमीटर लगाते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस मापेगा, वोल्टमीटर, इसका एक एंड में यहां कनेक्ट करता हूं एक ऐसा, दूसरा एंड में कनेक्ट करता हूं इसका जॉकी के साथ। अब जॉकी के बारे में आपको जानकारी होगी क्योंकि हमने स्लाइड वायर ब्रिज पढ़ा है ऑलरेडी। ये जॉकी क्या होता है, बिल्कुल पेन जैसा होता है, चिजल जैसा होता है जो कारपेंटर के पास होती है, ठीक है, या पेन जैसा ही होता है, लेकिन इसका जो आगे वाला निब होता है ना, वो थोड़ा फ्लैट होता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप स्लाइडर को क्या करेंगे, इस स्लाइडर को आप घुमा सकते हैं इस वायर पर, लेकिन घुमाने के लिए प्रकाशन भी है जो वहां पर है कि आपको इसको हार्ड नहीं घुमाना है, उसे क्या होगा कि एरिया ऑफ सेक्शन चेंज हो जाएगा, जो कि जरूरी है कांस्टेंट रहना, ठीक है ना। तो चलो, ये जॉकी है, इसको जॉकी भी बोलते हैं, इसको स्लाइडर भी बोलते हैं, ठीक है, चलो मैं इसको जे नाम देता हूं, जॉकी, ओके। अच्छा, अब मुझे बताइए, अगर मैं मानता हूं दिस इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, सही बात है, क्योंकि करंट फ्लोज इन द एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव। अब यहां से करंट आएगी, ठीक है, कुछ करंट आ गई, अब ये ए से सी को फ्लो हो जाएगी पोटेंशियोमीटर वायर में। अब डेफिनेटली करंट फ्लोस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। आई विल टेक एन एग्जांपल, लेट मी सपोज ये मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, वायर में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगी। सो पॉइंट ए, लेट मी सपोज इट इज एट 10 वोल्ट, ध्यान रखना, ठीक, डेफिनेटली पॉइंट सी लोअर पोटेंशियल पर होगा इसे, एंड लेट मी टेक एन एग्जांपल, इट इज एट 2 वोल्ट, तो डेफिनेटली जब मैं ए से जाऊंगा सी की जाने, व्हाट विल हैपन टू पोटेंशियल, इट विल डिक्रीज, ये 10, यहां पर तो ये पॉइंट होगा 8, 7, 6, 4, 3, आई नहीं पॉइंट सी, तो डेफिनेटली करंट फ्लो होता है हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। तो इसलिए अगर मैं यहां पर ए पॉइंट लेता हूं, चलो यहां मैं बीच में डी पॉइंट लेता हूं, लेट मी सपोज डी इज हियर, ये वाला पॉइंट, तो डेफिनेटली अगर ए 10 वोल्ट पर है, डी इससे कम पर होगा, सी इसे कम पर होगा, क्योंकि करंट फ्लोस फ्रॉम हायर पोटेंशियल। तो इसका मतलब है व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम ए टू सी, व्हाट विल हैपन टू पोटेंशियल, पोटेंशियल, पोटेंशियल विल डिक्रीज, डिक्रीज इस डायरेक्शन में जब आप जाएंगे इस वायर में, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। मैंने भी पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं, ठीक है ना, तो व्हाट विल हैपन टू पोटेंशियल डिफरेंस, then we move from A to C, will it decrease or increase, it will increase, ठीक है ना, potential decrease हो जाता है while going from A to C। अब potential difference जो reading दिखाएगा voltmeter, वो increase हो जाएगा जब आप slider को घुमाएंगे towards right। इसके लिए मैं आपको एक example दूंगा, let me suppose this point A is at 10 volt, point D is at 7 volt, definitely इसे काम होगा। तो जब आप पॉइंट डी पर स्लाइडर को टच करेंगे, आप मुझे बताइए आपका वोल्टमीटर कितना रीडिंग दिखाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दिखाता है दो पॉइंट्स के बीच में।
और ए और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 10 - 7, दैट इज 3 वोल्ट। तो आपका ये वोल्ट मीटर 3 वोल्ट दिखाया गया, याद रखना 3 वोल्ट दिखा दिया है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको आप ईएमएफ भी बोलते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज आपसे है। तो ये ईएमएफ हमें मिल जाता है, तो इसका मतलब है ए से जी तक जो लेंथ था वायर है, इसने हमें 3 वोल्ट का ईएमएफ दे दिया, ठीक है ना। अब मैं इस स्लाइडर को घुमाता हूं राइट की जाने, चलो मैं इसको लेता हूं यहां पर पॉइंट ई पर स्लाइडर। अब पॉइंट ई कितने वोल्ट पर होगा, 7 पर होगा, नहीं 7 पर, 7 से कम पर होगा, लेट मी सपोज 5 वोल्ट पर है। जो आपने भी लिखा पोटेंशियल डिक्रीज, तो व्हाट विल हैपन टू पोटेंशियल डिफरेंस, तो जब आपका ज्योति ई पर कनेक्ट हो गया तो अब आपको वोल्ट मीटर रीडिंग दिखाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस दिखाएगा ए और ई के बीच में, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, दैट इज 10 - 5। सो दैट इज अभी 3 वोल्ट दिखा दिया, अब 5 वोल्ट दिखा देगा, ठीक है ना। तो सीधी बात है, ए से ई तक जब आप यहां पर जॉकी को अब बी के बदले ई पर कनेक्ट करेंगे, ई पर टच करेंगे, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट के बजाय 5 वोल्ट का मिलेगा। तो जितना जितना आप राइट साइड की जाने जाएंगे, ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन यू गो टुवर्ड्स द राइट साइड ऑन दिस वायर, पोटेंशियल डिफरेंस विल इंक्रीज, ठीक है। और आप मुझे बताएंगे सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस कब दिखाएगा आपका वोल्ट मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज्यादा कब आएगा, जब आपका एक एंड वोल्ट मीटर का ए पर, वोल्ट मीटर का दूसरा एंड सी पर, लास्ट पॉइंट पर जब होगा, तब सबसे ज्यादा मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा आपके वोल्ट मीटर में, जो सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आपकी वैल्यू होगी। तो इसका मतलब है कि हमें ये जो यहाँ वेरिएबल सोर्स ऑफ ईएमएफ E2 है, जिसने हमें कंफ्यूज किया था कि ये वेरिएबल सोर्स ऑफ ईएमएफ हम कैसे लाएंगे, कैसे इतनी सारी बैटरीज रिप्लेस करेंगे ताकि ये E2 बनेगा E1 के बराबर। अब E2 के बदले यहाँ पर आपको सिर्फ जॉकी को घुमाना है, आप राइट साइड में घुमाएंगे जॉकी को, आपको वेरिएबल सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा इंक्रीज, पहले 3 वोल्ट मिलेगा, 4 वोल्ट मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 7 मिलेगा, 8 मिलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको 8 ही मिल सकता है, 10 - 2 वाट, चलो किसी और जगह इससे ज्यादा भी मिलेगा, लेकिन मैं जो मेरी एग्जांपल है 8 वोल्ट। तो मुझे एक वेरिएबल सोर्स ऑफ ईएमएफ मिल गया, अब मुझे बैटरीज नहीं लानी पड़ी है डिफरेंट डिफरेंट, मुझे सिर्फ स्लाइडर को घुमाना पड़ा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो मुझे सोर्स ऑफ ईएमएफ मिल गया। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड घुमाऊं तो मुझे कम कम पोटेंशियल डिफरेंस वाली सोर्स में, अगर मैं इसको राइट साइड घुमाऊं स्लाइडर को तो मुझे ज्यादा ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगी। तो मुझे मेरा मसला हल हो गया कि मुझे सोर्स ऑफ ईएमएफ वेरिएबल मिल गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर बाय स्लाइडिंग द स्लाइडर ऑन दिस वेरी वायर। लेकिन अब मसला है, मसला क्या है कि क्या यह पोटेंशियल डिफरेंस लेंथ पर डिपेंड करेगा, यह डायरेक्टली डिपेंड करना चाहिए इस पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ पर, कि आप इन दो पॉइंट्स के बीच में जो लेंथ है, ये चलो ए और डी में पॉइंट लेता, इनके बीच में जो लेंथ है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, चलो 3 वोल्ट का यहां पर मेरे एग्जांपल में, वो डायरेक्टली डिपेंड करना चाहिए लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट्स। इसे क्या होगा, मैं लीनियर स्केल यूज कर सकता हूं, यानी मैं एक एग्जांपल आपको दे दूंगा, चलो 1 सेंटीमीटर वायर है, अगर ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर की, अगर मुझे 1 सेंटीमीटर के लिए 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, तो डेफिनेटली फिर 2 सेंटीमीटर के लिए 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, 3 सेंटीमीटर वायर होगी तो 3 सेंटीमीटर के लिए 3 वोल्ट मिलेगा। इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली डिपेंड करनी चाहिए लेंथ पर, लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम रेट पर इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन ये तब पॉसिबल होगा ना जब पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली डिपेंड करेगी ऑन द लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट्स। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी के लिए वो चीज है जो मैंने आपको 3 कंडीशन बता दी इस पोटेंशियोमीटर वायर की, कि एक पोटेंशियोमीटर से कांस्टेंट करंट चलनी चाहिए, दूसरा इस पोटेंशियोमीटर वायर का रो यानी कंपोजिशन कांस्टेंट रहना चाहिए, तीसरा इस पोटेंशियोमीटर वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जब ये 3 चीजें फुलफिल हो जाएगी तभी आपका पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली डिपेंड करेगा लेंथ का पोटेंशियोमीटर वायर पर। इसको मैं मैथमेटिकली आपके लिए प्रूव करता हूं, देखिए लेट मी सपोज कि ये जो 2 पॉइंट्स है ए और डी, चलो मैं ए और डी की बात करता हूं जहां पर मैंने स्लाइडर को टच किया, चलो मैं यहां से यहां तक मानता हूं लेंथ एल है, कुछ तो लेंथ होगी 4 सेंटीमीटर 5 6, ठीक है ना, लेट मी सपोज लेंथ एल है।
तो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगी, जो मुझे रीडिंग दिखाएगा वोल्टमीटर, ये अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, दैट विल बी आई इनटू आर, ओके, वेयर आई इज द रेजिस्टेंस, सॉरी आई इज द करंट जो यहां पर फ्लो होती है, ठीक है, आई, एंड आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ठीक है ना। तो ये उसके, तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस मुझे ये रीडिंग दिखाएगा, ये वोल्टमीटर यहां पर, ठीक है। और V equals resistance की रिलेशन याद दिलाई है आपने आपको, ये हमने निकाली है, रेजिस्टेंस इक्वल्स रो टाइम्स एल अपॉन ए, अगर आपको याद होगा हमने ऑलरेडी निकाली है, हमने 10th में भी निकाली, हमने भी इस यूनिट में इससे पहले निकाली कि वायर रेजिस्टेंस जो किसी भी वायर की होती है, ठीक है ना, वो बराबर होती है रो, वायर रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ दैट वेरी मटेरियल, L is length of the wire and A is area of cross section. तो मैं इस R के बदले सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ rho times L upon A into रहेगा साथ में I, ये देखिए, तो I is current flowing through the potential metal wire, this is resistivity of your wire, this is length between points A and D. याद रखना, अगर आपने इस जॉकी को यहाँ टच किया E पर, so then A और E के बीच में जो length है वही आ रहा होगा. So L is the length between the two points जो आपने choose किया, जहाँ पर आपने जॉकी को टच किया. अच्छा, मुझे चाहिए ये V डायरेक्टली डिपेंड करना चाहिए L पर. जब V डायरेक्टली डिपेंड करना चाहिए L पर, तो ये वाला फैक्टर पे कॉन्स्टेंट रहना चाहिए. अब ये कब कॉन्स्टेंट रहेगा? V इक्वल्स, मैं इसको रिप्लेस करूंगा कॉन्स्टेंट से, K से, और साथ में लिखूंगा L. वायर K जो है, ये मैंने किसके बदले लिखा? I रो डिवाइडेड बाई ए. अब ये कब कॉन्स्टेंट होगा? ये तब कॉन्स्टेंट होगा जब आई भी कॉन्स्टेंट होगा, रो भी कॉन्स्टेंट होगा, ए भी कॉन्स्टेंट होगा. सो दैट इज वाई पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ए स्टेडी करंट शुड फ्लो थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर. अगर करंट चेंज होगी तो के फिर कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, जब के कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा तो वी डायरेक्टली डिपेंड नहीं करेगा एल पर, ठीक है. दूसरा, कंपोजिशन आपकी वायर का कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, दैट्स व्हाई रो मैंने आपको पहले बता दिया कॉन्स्टेंट होना चाहिए, और आपकी वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, दैट्स व्हाई स्लाइडर जब आप घुमाएंगे वायर पर तो आपको जोर से नहीं घुमाना है, उसे क्या होगा अगर किसी जगह स्क्रैच आ जाएगा तो उसका ए चेंज होगा और आपका के कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, फिर आपका प्रिंसिपल पोटेंशियोमीटर का एक्यूरेट नहीं रहेगा, फिर वी डायरेक्टली नहीं डिपेंड करेगा के पर. सो दिस आई रो बाय ए, This should be a constant, that's why मैंने इसको K से रिप्लेस किया, लेकिन ये तब constant रहे, और यही मैं working principle में लिखाऊंगा, ये तब constant रहेगा जब ये तीन चीजें constant रहेगी, ये हम बाद में लिखेंगे. और V, जब हम proportionality खत्म करते हैं, equality और constant आता है, equality और constant को खत्म करते हैं तो proportionality आ जाए, ये वही principle है जो मैं आपसे discuss कर रहा था, that potential difference जो आपको मिलती है किसी भी दो points के बीच में, That depends directly on the length between those two points. Directly का मतलब है, अगर एक सेंटीमीटर लेंथ आपको एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देता है, तो दो सेंटीमीटर का लेंथ आपको दो वोल्ट देगा. आपने पांच सेंटीमीटर, चूंकि आपका जो वायर